ये सुबह का टाइम है, 7 बजने वाले हैं और आज हमारे बच्चों का स्कूल है और अभी हम बना रहे हैं चाय। सब्जी काट चुके हैं, जा रहे हैं सब्जी बनाने। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं और आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारी चाय बन रही है सुबह की। इधर हमने भिंडी काट के रखी है, प्याज है और चलिए अब हम टिफिन बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये हम सुबह का खाना, दोपहर का खाना बना रहे हैं और चलिए आगे देखिए क्या करते हैं। आपके साथ आज पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चलिए हम सब्जी बना लेते हैं। एक साइड दूध उबल रहा है हमारा, घड़ी में बज रहे होंगे 8:30। चलिए हम करते हैं अपना काम। और ये हमने नेनुआ लिया है 1 kg, इसे तरोई भी कहा जाता है। चलिए इसे हम पहले काट लेते हैं। हमने वो सब्जी बनाई थी टिफिन के लिए और नाश्ता करके सब निकल गए हैं। ये हम दोपहर के खाने के लिए बना रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे। चलिए हम सब्जी को पहले काट लेते हैं। आजकल बहुत पतले पतले नेनुए आ रहे हैं, अभी तो शुरू हो रहा है इसका सीज़न। हम लोग के यहाँ नेनुआ ही कहते हैं और काफ़ी जगह इसे तरुई भी कहते हैं। चलिए इसे हम अच्छे से पहले छील लेते हैं। हमने भगोना ले लिया, इसी में हम काट लेंगे। इसमें धुलते अच्छे से बनता है बड़े वाले बर्तन में। और इसे हम पतले पतले हैं तो सिर्फ गोले वाले ही पीस में काट लेंगे। इसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, हल्की होती है और हम बनाएंगे बिना मसालों के, सादी एकदम प्लेन सब्जी बनाएंगे इसकी। ये देखिए हमारा नेनुआ कट चुका है, चलिए अब धो लेते हैं इसे। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ इसे क्या कहते हैं, नेनुआ कहते हैं या तरोई कहते हैं। इसके बहुत नाम है और जगह क्या कहते हैं मालूम नहीं हमको। चलिए इस छन्नी में हम धो के रख लेते हैं, इसमें अच्छे से पानी निकल जाता है। हम लोग के यहाँ गर्मियों में, बरसात में हम लोग बोते हैं तो काफ़ी नेनुआ होता है। देखिए इस साल होता है कि नहीं। ये हमने लहसुन ले लिया है, एक मिर्च ले लिया है, इसे तड़का लगाएंगे। सब्जी हमने बताई थी कि सादी बनाएंगे, बस इस तड़का देने के बाद तुरंत हम इसे फ्राई कर देना है। थोड़ा सा डाल लेते हैं फिर। और आज हम आपके साथ अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर करेंगे कि हमारा सुबह से शाम तक का रूटीन क्या होता है। हम लोग हैं सिर्फ, ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। हमने बीच में कैमरा ऑन नहीं किया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं कामनी आप सभी का अपने YouTube चैनल कामनी ब्लॉग प्रयागराज में स्वागत करती हूं। और चलिए हम जा रहे हैं मार्केट, कल भी गए थे आज भी जा रहे हैं, कुछ काम है आते हैं तब आप लोगों से बात करते हैं। और आज हम खाने में बनाएंगे, हमने पहले से ही बना रखी है कढ़ाई पनीर, वो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। ये देखिए हमने पनीर ली है 1/2 kg और शिमला मिर्च है, 2 शिमला मिर्च यूज करेंगे। एक तरफ प्याज छील के कट रही है भाई, चलिए काट लेते हैं। दोस्तों मैं कपड़ा छील करके आ गई हूँ किचन में और चलिए हम बनाने चलते हैं कढ़ाई पनीर। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने प्याज कट लिया है, ये पनीर फ्राई करके रख ली है और चलिए अब बनाना हम शुरू करते हैं। एक तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, ये पनीर फ्राई हो चुका है, शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करना है। इसी बीच में हमने ये मसाले तैयार कर लिए हैं, प्याज लहसुन अदरक काजू और 2 टमाटर। इन सबको हमें टमाटर अलग पीसेंगे और ये सारा पेस्ट अलग तैयार करेंगे। चलिए प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेते हैं, इसे डीप फ्राई करेंगे। कम ऑयल हो तो आप कम ही इसे यूज करिए, थोड़ा सा ही तेल डाल के इसे हल्का सा फ्राई कर, कच्चा कम से कम 2 से 3 मिनट फ्राई करना है हमको, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और देखिए हमारी प्याज शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, उसी कढ़ाई में हमने तेल कम करके 1 तेज़पत्ता और प्याज डाल दिया है। ये नीचे ऑयल लगा था तो कढ़ाई हमारी घस की जा रही है। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया, जो हमने प्याज और लहसुन अदरक मिर्च और
काजू का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला लगभग भुन चुका है पेस्ट का। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। हमने 2 चम्मच सब्जी मसाला, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ा बड़ा चम्मच है, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसे चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये भी मसाला छोड़ने लगा है। थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे इसमें हम 2 चम्मच। ये क्रीम हमने फ्रिज में रखी थी, इसे निकाल के डाल रहे हैं। ये हमारा फ्रेश क्रीम है, हमने दूध रख दिया था फ्रिज में, क्रीम जम गई है। और ये देखिए क्रीम भी डालने के बाद ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसमें हमने जो 2 टमाटर रखे थे पीस के, उसे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और थोड़ा ग्रेवी में भी नमक आ जाए। चलिए ढक देते हैं, खोल के देखेंगे। देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे चला लेंगे। कसूरी मेथी डालने से स्वाद काफ़ी अच्छा आता है इन सब्जियों का, जैसे शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, छोला बनाइए, कुछ भी बनाइए उसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा मसाला भी भुन चुका है, ऑयल पूरी तरह ऊपर आ गया है। अब ये हम प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे और पनीर को भी इसी साथ में ही डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे इसे। थोड़ी देर ढक देते हैं इसे। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार है। आप इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा ग्रेवी, इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया है। सूखी भी काफ़ी टेस्टी आती है, अगर आपको पूड़ी पराठे के साथ खानी है तो। और ये देखिए हम अपने हिसाब से पानी हमने ऐड किया, हम लोग को जितनी ज़रूरत है। अभी ये सूख जाएगी सब्जी, बाद में थोड़ा गाढ़ी हो गई थी। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे ढक देंगे, लगभग 5-7 मिनट तक पकाएंगे, 5 या 6 मिनट तक। और ये देखिए हमारी सब्जी लगभग बनके तैयार हो गई है। बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी और आज हमारा दिन का रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ नई बातों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।